नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार अंदर बैठे दुश्मनों पर एयर स्ट्राइक करी गई है, यानी कि माओवादियों पर बम गिराए गए हैं। तो पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बॉर्डर पर खड़े दुश्मनों से तो बड़ी ही बेबाकी से लड़ सकते हैं, लेकिन जब दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हो तो मुश्किल और ज्यादा हो जाती है। और ये काम और भी मुश्किल तब हो जाता है जब अंदर ही बैठे लोग अंदर बैठे दुश्मनों का सपोर्ट करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ कुछ दिनों पहले, जब छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों पर एक बड़ा नक्सली हमला किया गया था, जिसमें कई सारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। पहले तो उन सभी जवानों को नमन जिन्होंने हमारी सुरक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बात करी जाए इस नक्सल हमले की, तो ये एक बहुत ही कायरतापूर्ण हमला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस हमले के बाद ये उठा था कि हमारी सेना कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन क्यों नहीं लेती और क्यों नहीं इन माओवादियों पर मिसाइल हमले करती है। उसका सब सीधा सा जवाब ये है कि मिसाइल हमला या फिर बड़े बम गिराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी अपनी ही सीमा के अंदर जहां पर हमारे ही नागरिक रह रहे हों, वहां पर हम बम नहीं गिरा सकते, क्योंकि इसका इफेक्ट माओवादियों के साथ साथ बाकी के लोगों को भी होगा। और दूसरा, ये नक्सली आम नागरिकों की तरह ही छुप कर रहते हैं और उनके अड्डों पर बड़ा हमला नहीं किया जा सकता, और इसीलिए नक्सलियों के साथ हमेशा एनकाउंटर्स होते हैं। लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने फोटो शेयर करके कहा है कि उन पर एयर स्ट्राइक करके बम गिराए गए हैं। और माओवादियों के अनुसार ये एयर स्ट्राइक छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 19 अप्रैल को की गई है, जहां पर सेना ने हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन की मदद से बम गिराए हैं। और CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, जो कि पॉलिटिकल पार्टी कम माओवादियों का ग्रुप ज्यादा है, उसने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि 19 अप्रैल को सुबह 3 बजे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बोटालंका और पालेगुडम गांव में बमबारी की गई है। और CPIM ने इस पर दुख जताया है और बताया कि माओवादी वहां से समय पर मूव कर गए, इसलिए कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अब जब इस खबर की पुष्टि के लिए मैंने रिसर्च करी तो पता चला कि ऑफिशियली तो हमारी फोर्सेज ने इसे अफवाह बताया है और कहा है कि डर के मारे माओवादी अपने मन से कहानियां बना रहे हैं। दोस्तों, वैसे आपको बता देना चाहूंगा कि इस एनकाउंटर की घटना के बाद हमारी फोर्सेस यहां पर लगातार ऑपरेशन चलाकर माओवादियों को ढेर कर रही हैं, और इसी डर से कई माओवादी सरेंडर भी कर चुके हैं। और ग्राउंड लेवल से कई रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि हमारी फोर्सेस यहां पर बहुत ही तेजी से लगातार बड़े एक्शन ले रही है। हालांकि एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर भी कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी फोर्सेज का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। पर इतना मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल पर माओवादियों को जड़ से मिटाने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों, वैसे इन माओवादियों से तो हमारे जवान निपट ही लेंगे, लेकिन CPIM जैसी पॉलिटिकल पार्टी की सोच रखने वालों से आम जनता को ही निपटना पड़ेगा। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।